Good morning, class. This is our new pharmacology class. In our previous class, we started the topic antibiotics, and today we will continue the topic antibiotics, in which we will study about the remaining antibiotics like carbapenems, tuberculin drugs, tetracycline, etc. First of all, carbapenems. It is a class of beta-lactam antibiotics with a broad spectrum of antibacterial activity. ये beta-lactam antibiotics की दवाई है जो कि antibacterial activity रखती है और वो भी बहुत broad spectrum की, मतलब कई सारे bacterias के ऊपर ये अपना असर दिखा रही होती है. beta-lactamases नाम के enzyme से ये resistant होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर अपना असर दिखाती है. एनएरोब्स, कुछ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया इसके एक्सेप्शन है, क्लेमाइडिया वगैरह, उसके अलावा सभी एनएरोब्स पर ये अपना असर दिखाती है. इसमें इम्पेमिनम और मेरापेनम इसके एजेंट्स हैं कार्बापेनम्स के. इसके बुरे प्रभाव, सर में दर्द होएगा, रैशेज हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, फ्लेबाइटिस होएगा, बीपी लो हो जाता है, दौरे पड़ने लगते हैं, और रीनल डिफ्यूज़न के पेशेंट्स के अंदर ये मेनली देखने को मिल रहा होता है कि पर्सन में इस तरह की परेशानियां जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही होती हैं. नेक्स्ट ड्रग है मोनोबैक्टम्स. ये भी बीटा लैक्टम का कंपाउंड है, नाम से पता चल रहा है. ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे नाइजीरिया और स्यूडोमोनास. नाइजीरिया के अपन दो स्पीसीज पढ़ते हैं, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस और नाइजीरिया गोनोरे, उनके लिए, और स्यूडोमोनास एरियोजीनस और इसकी कई और स्पीसीज भी आती हैं, उनके अगेंस्ट में ये काफ़ी एक्टिव होता है. ये कमर्शियली अवेलेबल ही है मोनोबैक्टम के एंटीबायोटिक जैसे कि एजिथ्रोनाम. ये एंटीबायोटिक इसकी मिलती है. इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, कभी कभार लीवर फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, कभी कभार, कॉमन नहीं है ये चीज़. नेक्स्ट ड्रग है मैक्रोलिड्स. ये बैक्टीरियो स्टैटिक होती है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है. बैक्टीरियल राइबोसोम से बाइंड होकर के प्रोटीन सिंथेसिस को बैक्टीरिया के अंदर रोक देती है. मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, जेनाइटल ट्रैक्ट के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस और स्किन के इन्फेक्शंस के लिए दी जा रही होती है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चाहे फेरिंजाइटिस हुआ हो, साइनोसाइटिस हुआ हो, ब्रोंकाइटिस हो, इन सब के अंदर बहुत अच्छा इसका रोल होता है. मैक्रोलिड्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एराइथ्रोमाइसिन और रॉक्सिथ्रोमाइसिन, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये इनके ब्रांड नेम हैं. आप चाहें याद रखें, नहीं याद रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एराइथ्रो, क्लैरिथ्रो, एजिथ्रो, रॉक्सिथ्रोमाइसिन ड्रग्स जो है वो मैक्रोलिड्स के अंदर आती हैं. इसके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया रहता है. कभी कभार जो है वो कानों के अंदर टेम्प्ररी इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहा होता है. अगर ओरल एराइथ्रोमाइसिन ले रहे हैं तो वो स्टमक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज कर देता है, और इंजेक्शन से दे रहे होते हैं तो फ्लेबाइटिस जैसे सिम्टम दिखने लगते हैं. मैक्रोलिड्स को बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए लिवर डिसफंक्शन वाले पेशेंट्स के अंदर. प्रेगनेंसी में कैटेगरी बी में एजिथ्रो और एराइथ्रोमाइसिन आती हैं, जबकि कैटेगरी सी के अंदर क्लैरिथ्रोमाइसिन ड्रग आती हैं. नेक्स्ट ड्रग है कीटोलिड्स. ये मैक्रोलिड ग्रुप की एंटीबायोटिक है. दूसरी मैक्रोलिड्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ड्रग है. कीटोलिड्स जो है वो ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिखाती है. जो बैक्टीरिया मैक्रोलिड्स से रेजिस्टेंट होते हैं उनके अंदर कीटोलिड काफ़ी इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल राइबोसोम पर दो साइड्स के ऊपर बाइंड होती है और साथ में स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन भी ये रखती है. That makes them poor substrate for efflux pump mediated resistance. जिससे कि क्या होता है, ये दो साइड पे बाइंड हो रही है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर लेती है, तो बैक्टीरिया अपने इफ्लक्स पंप से इसको बाहर निकाल नहीं पाता, मतलब इफ्लक्स पंप वाला रेजिस्टेंस इसके ऊपर काम नहीं करता है. केवल कीटोलिड जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है इस समय वो टेलिथ्रोमाइसिन है, कैटेक ब्रांड के नाम से वो बिकती है.
अब लिंकोसामाइड में लिंकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन ड्रग आती है, ये बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन को रोकती है क्योंकि उसका प्रोटीन सिंथेसिस ये होने नहीं देती, तो बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। नॉर्मली स्टेफाइलोकोकर और स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलो जो बंच में पाए जा रहे हैं उन्हें कोकस, स्फेरिकल बैक्टीरिया बंच में पाए जाते हैं और स्फेरिकल बैक्टीरिया चेन में पाए जाते हैं, वो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। इनके लिए काफ़ी पावरफुल ड्रग है। बैक्टीरॉइड्स फ्रेजिलिस एंड सम अदर एनारोब्स को ट्रीट करने के लिए ये काम में आ रही होती है। ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS आपने पढ़ा है, ये आपको माइक्रो में भी पढ़ाया गया था। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को ट्रीट करने के काम में आती हैं। इसके अलावा आप MSN में भी ये टॉपिक पढ़ेंगे। लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक्स की एक और क्लास है जो कि स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो हो जाती है उसको ट्रीट करने के काम में ली जाती है। स्यूडोमोनास कोलाइटिस के अंदर, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में क्या होता है, कोलाइटिस हो जाता है और उसमें एक आभासी मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसके लिए भी ये ड्रग काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट ड्रग है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये बैक्टीरियसाइडल होते हैं, बैक्टीरिया को उनके प्रोटीन बनाने से रोक देते हैं, तो फिर बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे। जब प्रोटीन नहीं बनेगा उनकी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बनेगी नहीं, तो बैक्टीरिया मर जाता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम में ली जाती है। पेनिसिलिन और सिफालोस्पोरिन के लिए जो है हम इस अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया के अटैक को रोकने में ये काम में आ रही होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है तो अपन पेनिसिलिन्स और सिफेलोस्पोरिन के साथ में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे सकते हैं, क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो स्टमक के अंदर इजीली टूट जाती है, इसलिए कभी भी इसको माउथ से नहीं देते, इसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा वरना ये असर नहीं दिखाएगी। इसके अलावा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही जनरली अपन इसको देते हैं। इसके अंदर अमिकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टॉब्रामाइसिन नाम की ड्रग्स आती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कानों के लिए टॉक्सिक है, किडनी के लिए टॉक्सिक है और प्रेगनेंसी में कैटेगरी डी की ये दवाई मानी जाती है। नेक्स्ट है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। क्विनोलॉन्स हालांकि मैं आपको टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया से नहीं बन रहे, हमने लैब में बनाया है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बैक्टीरियसाइडल ड्रग होती हैं जो कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन के जैसी केमिकली बिल्कुल नहीं होती है। ये बैक्टीरिया को रोकती है क्योंकि उनके अंदर ये DNA को बनने नहीं देती, इसलिए ये बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट दिखाती है। इसका एक्सीलेंट एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए हम इसको केवल इंट्रावीनस ही नहीं दे सकते बल्कि इसको आप ओरली भी दे सकते हो। एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ओरली दी जा सकती है, IV तो देते ही देते हैं, ओरली भी आप आराम से दे सकते हैं। कॉमन UTI को ठीक करने के लिए, स्किन इन्फेक्शन को और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये दवाई यूज़ की जाती है। जैसे रेस्पिरेटरी में वही वो साइनोसाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसे केसेस हो जाएं, तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन और मॉक्सीफ्लोक्सासिन ड्रग्स आती हैं। इसके साइड इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एबडोमिनल पेन, वही घिसे पेटे सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो आप सब में लिख सकते हैं। नोजिया वॉमिटिंग जनरली एंटीबायोटिक्स में हो ही जाता है, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया वगैरह, और पेट में इसमें दर्द भी रहने लगता है। इरिवर्सिबली ये अपने CNS को डैमेज कर देता है। भाई वैसे भी CNS डैमेज होता है, ठीक होता नहीं है, हालांकि ये चीज़ कॉमन नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है, पर ज़्यादा अगर ले लें तो ये हो सकता है। टेंडिनोसिस भी हो सकता है, ये भी रेयरली है, प्रेगनेंसी में ये कैटेगरी सी की मेडिसिन है। नेक्स्ट है ट्राई मिथोप्रिम और सल्फा मिथाक्सोजोल या को ट्राई मॉक्सोजोल। ये एक एंटीबायोटिक है जो ना केवल बैक्टीरिया बल्कि फंगाई और प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के भी काम में आ रही होती है। को ट्राई मॉक्सोजोल जो है जनरली बैक्टीरियसाइडल मानी जाती है, ऑल दो इट्स कॉम्पोनेंट्स आर इंडिविजुअली बैक्टीरियोस्टैटिक। हालांकि अगर आप सिंगल सिंगल देंगे तब तो ये बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकती है, पर अगर ये ऐसे को ट्राईमोक्सोजोल के रूप में आप दे रहे हैं तो ये बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट रखती है। ये एंटी फोलेट है, इसका एक्शन फोलेट के अगेंस्ट में है, एंटी फोलेट इन नेचर, तो इसलिए ये इनहिबिट करता है फोलेट बायोसिंथेसिस को भी और मेटाबॉलिज्म को भी, दोनों को ये हमारे अंदर रोक देता है। जो अपनी बॉडी में फोलेट बन रहा होता है, फॉलिक एसिड, उसके बायोसिंथेसिस, उसके मेटाबॉलिज्म दोनों को रोक देगा। इसके साइड इफेक्ट में वही नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है क्लॉस्ट्रिडियम का।
जो कि डायरिया कॉज कर देता है। इस ये प्रेगनेंसी में कैटेगरी सी की दवाई है। कुछ स्टेट जो है इसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए ये अच्छी नहीं मानी जाती, पर कुछ स्टेट्स को ऐसा नहीं लग रहा होता है, तो ये स्टेट वाइज भी इसकी बिक्री जो है वो वेरी कर रही होती है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देगी क्योंकि ये बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट अच्छा असर दिखाती है, जैसे रिक्शे और अमीबिक पैरासाइट्स के लिए भी ये बैक्टीरिया तो है ही है, क्योंकि ऊपर बैक्टीरियोस्टैटिक हमने बोला, उसके अलावा रिक्शिया और अमीबिक पैरासाइट्स के लिए भी अच्छी मानी जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, चाहे साइनसेस हुआ हो, मिडल ईयर का इन्फेक्शन, यूटीआई, स्किन और इंटेस्टाइन, सभी इन्फेक्शंस में हम दे सकते हैं। गोनोरिया जैसे बैक्टीरिया के लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये भी। लाइम डिजीज़ हो जाए, टाइफस हो जाए, उन सब में भी टेट्रासाइक्लिन बहुत अच्छा असर दिखाती है। कॉमन जो करंट में इसका यूज़ हो रहा है, अगर सीवियर एक्ने किसी को हो गया, रोजेशिया हो गया हो, चेहरे के ऊपर फुंसियाँ जो थोड़ा भयानक रूप ले लेती है, उसके ट्रीटमेंट में भी आजकल इसका बहुत यूज़ हो रहा है। टेट्रासाइक्लिन के अंदर ऑब्वियसली टेट्रासाइक्लिन आ रही है, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ड्रग्स आती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में पेट में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, मरोड़े आने स्टार्ट हो जाएंगे, जलन मचनी स्टार्ट हो जाती है पेट के अंदर, पर्सन को डायरिया रहने लगता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह और जीभ के ऊपर छाले हो जाएंगे, स्किन फोटो सेंसिटिविटी शो करेगी, धूप में जाते ही लाल लाल हो जाएगी, अजीब सी हो जाएगी, एलर्जिक रिएक्शन दिखाई देगी। बच्चों के अंदर हम टेट्रासाइक्लिन का यूज़ नहीं करते, 8 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उस समय उनके दांत आ रहे होते हैं, तो वो दांत आने वाले प्रोसेस को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है, इसलिए हम बच्चों में नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी में कैटेगरी डी की दवाई है। अगर प्रेगनेंसी में इसका यूज़ किया जाए तो बोन डेवलपमेंट के प्रोसेस को ये बदल देती है, बोन डेवलपमेंट सही हो नहीं पाता। नेक्स्ट है क्लोराम्फेनिकोल, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है ये, प्रोटोटिपिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन के साथ इसको ऐसा माना जाता है, दोनों सस्ती है भी है और बनाने भी बड़ी आसान पड़ती है। आजकल डेवलपिंग वर्ल्ड में सबसे चॉइस की एंटीबायोटिक इसी को माना जा रहा है, सबसे तो नहीं माना जाएगा चलो, पर चॉइस की एंटीबायोटिक है ये अधिकतर लोगों के। ये वाइड वैरायटी के बैक्टीरिया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो, दोनों में दी जाती है। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, अधिकतर एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म इससे रुक जाती है उनकी ग्रोथ, और रेजिस्टेंस और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से इट इज़ नो लॉन्गर अ फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर एनी इन्फेक्शन, क्योंकि हमें थोड़ा सा इससे रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा डेवलप कर लेता है बैक्टीरिया और सेफ्टी भी थोड़ी कम है, इसलिए हम इसको फर्स्ट लाइन का एजेंट तो नहीं मानते किसी इन्फेक्शन के लिए, डेवलप्ड नेशंस नहीं मानते हैं, पर टॉपिकल ट्रीटमेंट अगर करना हो तो सबसे अच्छी मानी जा रही होती है। जैसे बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस किसी को हो गया हो तो टॉपिकली लगाने के लिए काफ़ी अच्छी ड्रग है। इसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर बोन मैरो में टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है, इंट्रावीनस दे सकते हैं तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कर देता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक्चुअली ड्रग्स क्लोराम्फेनिकॉल के साइड इफ़ेक्ट के रूप में ये देखने को मिल रहा होता है, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोराम्फेनिकॉल से जुड़ी हुई चीज़ है। इसमें बच्चे जो होते हैं, जो बच्चा पैदा हो रहा होता है उसके अंदर अगर उसकी वो पहले से ही दवाइयाँ ली जा रही होती है तो उसकी बॉडी जो है वो ग्रे कलर की हो जाती है। इसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, पर ये क्लोराम्फेनिकॉल से जुड़ी हुई डिसऑर्डर है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ लेस सीरियस रिएक्शंस में बुखार चढ़ती है, रैश हो जाते हैं, सिर में दर्द होगा और पर्सन में कन्फ्यूज़न रहेगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोपेप्टाइड्स, जिसमें वैंकोमाइसिन और टियोकोप्लानिन या टाइकोप्लानिन ड्रग अपन पढ़ते हैं। ये एंटीबायोटिक्स प्रिंसिपली ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है। ये ड्रग की वो क्लास है जो बैक्टीरिया में सेल वॉल के बनने को रोक देती है, इन ससेप्टेबल माइक्रोब्स, क्योंकि ये पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसाइज नहीं होने देती, तो सेल वॉल कहाँ से बनेगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल, ये पेप्टाइडोग्लाइकन को नहीं बनने देती है। इसमें जो वैंकोमाइसिन होती है वो मरसा के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी को लग रहा हो कि इसमें मरसा का इन्फेक्शन हुआ हो, मरसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ।
अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स में नहीं किया जाता है, या जिनमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दिखाई दे रही है बीटा लैक्टम के प्रति, या बीटा लैक्टम रेजिस्टेंट स्पीसीज से उनको इन्फेक्शन हुआ हो, तो अपन ये ड्रग नहीं देते हैं। ये नैरो स्पेक्ट्रम का एक्शन शो करती है, बैक्टीरियसाइडल होती है केवल एंटीरोकोकाई, क्योंकि नैरो स्पेक्ट्रम है ना, तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पर थोड़ी असर दिखाएगी, तो केवल एंटीरोकोकाई के अगेंस्ट में अच्छी मानी जाती है। ओरल प्रिपरेशन वैंकोमाइसिन की अवेलेबल है, हालांकि गट की ल्यूमन में एब्जॉर्ब नहीं होती है, पर ये इन्फेक्शन जो जीआईटी में ही इन्फेक्शन है, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होगी, पर कुछ इन्फेक्शन जीआईटी में भी तो हो सकता है, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसल वगैरह का, उन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ओरली। वेंको के साइड इफेक्ट जो है, अगर हम इसको इंट्रावीनसली दे रहे हैं इन्फ्यूज़न के रूप में, तो टिश्यू नेक्रोसिस और फ्लेबाइटिस कॉज कर सकता है जिस जगह पर अपन इंजेक्ट कर रहे हैं। रेडमैन सिंड्रोम हो जाता है, जो कि एक इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, अगर हमने उसकी बोलस डोज दे दी है, तो बोलस डोज से हिस्टामिन रिलीज होने लग जाएगा, तो पर्सन लाल लाल सा हो जाता है, इसको रेडमैन सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा ये नेफ्रोटॉक्सिटी कॉज कर सकता है, जिससे कि रीनल फेलियोर हो जाता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाता है, ब्लड डिसऑर्डर भी देखे जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल का नंबर कम हो जाएगा, बहरापन पर्सन में देखने को मिलता है। तो हालांकि ये ठीक है, जैसे अगर आप स्टॉप कर देंगे तो वापस रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब वापस चीज़ें ठीक हो जाएंगी, न्यूट्रोफिल ठीक हो जाएगा, डेफनेस भी ख़त्म हो जाएगी, तो इसको ठीक किया जा सकता है। हालांकि ये पेशेंट जिनमें रीनल इम्पेयरमेंट है, उनमें ये ड्रग एक्यूमुलेट भी हो जाती है, क्योंकि एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी, तो ये भी इसका साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोग्रामिन नाम की ड्रग, ये वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस, यानी वर्सा, वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट था मर्सा के लिए, ये वर्सा वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस के ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं, या वेरी के ट्रीटमेंट के लिए, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकस के ट्रीटमेंट के लिए। ये दो मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग स्ट्रेन होते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के अंदर, वर्सा और वेरी, तो उनके लिए स्ट्रेप्टोग्रामिन काफ़ी अच्छी दवाई मानी जाती है। इसके मेंबर्स में क्विनोप्रिस्टन, प्रिस्टामाइसिन और रिग्नामाइसिन नाम की जो है वो ड्रग्स आती हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में पेरिफेरल वेन से अगर आप दे रहे हैं, तो एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलती है कि पर्सनल इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पेन होगा, एडिमा रहेगा, इन्फ्यूज़न साइट पे रिएक्शंस हो जाएगी, और थ्रोम्बो फ्लेब्लाइटिस होएगा। अगर आप वीनस से नहीं दे रहे हो, तो मतलब ओरली अगर आप दे रहे हैं, तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होगा, स्किन पे रैशेज हो जाएंगे, सर में दर्द होगा, पेन रहने लगता है, जो कि एक जगह पर भी हो सकता है, या हो सकता है पूरी बॉडी में उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो जाए, खुजली आने लग जाती है शरीर पर, आर्थ्रेलजी और माइल्जिया, हड्डियों और मसल्स में दर्द होने लग जाएगा, एस्थीनिया हो जाएगा, और हाइपर बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, वो भी कॉन्जुगेटेड टाइप के बिलीरुबिन का। नेक्स्ट ड्रग है ऑक्सेजो लिडिनॉन्स, जिसको अपन लिनेजोलिड इसके अंदर पढ़ते हैं। लिनेजोलिड जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, क्योंकि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये बनने ही नहीं थी, पहले राइबोसोम के साथ में आकर के टीआरएनए जुड़ता है और फिर प्रोटीन बनता है, ये जुड़ने नहीं देगा, जुड़ेगा नहीं तो प्रोटीन बनेगा नहीं। ये सीरियस इन्फेक्शन, जैसे ग्राम पॉजिटिव का कोई सीरियस इन्फेक्शन हो गया है और दूसरे एंटीबायोटिक का उस पर असर नहीं हो रहा है, तो फिर अपन ये ड्रग देते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए काफ़ी, उसके अगेंस्ट में काफ़ी अच्छी ड्रग मानी जाती है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, वेरी के लिए, मरसा के लिए, बहुत अच्छी ड्रग्स मानी जाती है। मेनली लेनेजोलिड का इंडिकेशन है जो स्किन सॉफ्ट टिश्यू निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ हो, पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है, नोजोकोमल निमोनिया, उसमें ड्रग अच्छी मानी जाती है। इसके एडवर्स इफेक्ट जो है शॉर्ट टर्म यूज़ पे, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट डिपेंड कर रहे होते हैं कि इसका यूज़ शॉर्ट टर्म हो रहा है, लॉन्ग टर्म हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म में तो हेडेक, डायरिया, नोजिया होगा, अगर लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी सीरियस इफेक्ट, जैसे कि बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा, भाई तो आपके अंदर ब्लड सेल्स नहीं बनेगी, बोन मैरो को सप्रेस कर देगा ये, प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है इसी वजह से, जब आप 2 हफ्ते साथ इस दवाई को ले लेते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए दवाई। लॉन्गर पीरियड तक तब भी अगर आप ले रहे हैं, तो कई बार
इसकी वजह से इरिवर्सिबल कीमोथेरेपी देखने को मिल रही होती है, तो न्यूरल पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज और लैक्टिक एसिडोसिस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा, जिसको आप ठीक और नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस दवाई का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है एंसामाइसिन। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फैमिली है, जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए दिखाती है। वेरियस कंपाउंड्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, स्ट्रेप्टोवायरसेंस और राइफामाइसिनस वगैरह। राइफामाइसिन एंसामाइसिन की सब क्लास है, जिसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा हाई है माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट में। अपन ने रिफाम्पिसिन पढ़ा था ना, वैसे ये राइफामाइसिन या रिफामाइसिन ड्रग है। दिस रिजल्टेड इन देयर वाइड स्प्रेड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रसी, एड्स रिलेटेड माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन। भाई टीबी में भी दे सकते हो, कोड किसी को हो गया तब भी, क्योंकि दोनों माइकोबैक्टीरिया कैटेगरी है, और एड्स की वजह से माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो रिफामाइसिन की है, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस जो बैक्टीरिया करता है उसको इनहिबिट कर देती है, क्योंकि इसका दिस इज़ ड्यू टू द हाई एफिनिटी ऑफ रिफामाइसिन फॉर द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि रिफामाइसिन आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट का होता है यानी बैक्टीरिया के अंदर होता है, उस पॉलीमरेज को ये रोक देती है, उस पर बाइंड हो जाती है एक्चुअली। तो जैसे ही बाइंड हो जाएगी आरएनए सिंथेसिस ही नहीं होगा, आरएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो कोई प्रोसेस आगे नहीं चलेगा भाई, ना प्रोटीन बनेगा ना कुछ और होएगा। एडवर्स इफेक्ट में लीवर के लिए टॉक्सिक है, रेस्पायरेशन पे बुरा असर डालती है, स्किन के ऊपर, पेट में फ्लू लाइक सिम्टम्स भी ये देती है, लीवर में हिपेटाइटिस कॉज हो जाता है, लीवर फेलियर भी हो जाता है सीवियर केसेस के अंदर, रेस्पायरेटरी में पर्सन को सांस नहीं आती, क्यूटेनियस के अंदर, स्किन में क्या हो जाता है, चेहरे पे अचानक पसीना आ जाएगा, शरीर पसीना पसीना हो जाएगा पूरा, खुजली आने लग जाएगी, रैशेज होएंगे, लाल हो जाएगी स्किन और आंखों में पानी आने लग जाएगा, पेट में नोजिया वॉमिटिंग होने लगता है, एब्डोमिनल क्रैम्प रहने लगता है, और हो सकता है क्रैम्प के साथ में डायरिया हो भी जाए और ना भी हो। फ्लू लाइक सिम्टम्स में पर्सन को कंप कभी छूटती है, बुखार होता है, सर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है। रिफाम्पिसिन गुड पेनिट्रेशन दिखाता है ब्रेन में भी, जिससे कि ये डायरेक्टली मेलाइज और डिस्फोरिया को शो कर रहा होता है अगर इसका थोड़ा सा भी यूज़ किया जाता है, जो स्पेशली उन यूज़र्स में जो इसका कम यूज़ करते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट रिफैक्सिमिन, ये सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है जो रिफामाइसिन के ऊपर बेस्ड थी, मतलब आधा अपन ने रिफामाइसिन से चीज़ ली और आधी अपन ने खुद ने कुछ बना ली लैब के अंदर। इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, यानी ये बहुत कम एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जाएगी अगर आप ओरली इसको लेते हैं। ट्रैवलर डायरिया हुआ होता है या हिपेटिक एंसेफेलोपैथी हुई होती है तो हम ये दवाई दे रहे होते हैं, या ऑर्फन ड्रग स्टेटस यूएस फूड के अंदर इसको माना गया था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 1998 के अंदर। रिफैक्सिमिन इंटरफेयर करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, क्योंकि ये बैक्टीरिया आरएनए पॉलीमरेज के बीटा सब यूनिट के ऊपर बाइंड हो जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज अपना वर्क नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं चलेगा। अब जो हम कह रहे हैं ऑर्फन ड्रग माना गया था, ऑर्फन ड्रग एक ऐसा फार्मास्यूटिकल एजेंट होता है जो कि स्पेसिफिकली किसी रेयर मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बना गया था, मतलब नॉर्मली अपन इसको यूज़ नहीं करते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन जनरेट हो गई थी जिसको ट्रीट करने के लिए अपन ने इसको डेवलप किया है, तो ये कॉमनली यूज़ नहीं की जाती। नेक्स्ट ड्रग है मेट्रानिडाजोल, ये नाइट्रोइमिडाजोल एंटीबायोटिक है जिसको पर्टिकुलरली हम एनएरोबिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के लिए काम में लेते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल होती है एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में भी, अमीबी साइड भी इसका रोल होता है यानी अमीबा को भी ये किल करता है और प्रोटोजोआ बाकी जो प्रोटोजोआ है उनको भी ये किल करता है, उनके अगेंस्ट में भी ये वर्क करता है। ये न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देता है जिससे कि बैक्टीरियल सेल का डीएनए टूट जाएगा। इसका दिस फंक्शन ओनली अकर्स व्हेन मेट्रानिडाजोल इज पार्शियली रिड्यूस्ड एंड बिकॉज दिस रिडक्शन ओनली हैपन्स ओनली इन एनएरोबिक सेल्स। और ये तोड़ता, ये डीएनए को हमने कहा तोड़ देता है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को रोक देगा, ये केवल तब करेगा जब मेट्रानिडाजोल आधी टूटेगी। आधी कब टूटती है? जब एनएरोबिक सेल के अंदर ये जाती है, क्योंकि एरोबिक सेल में तो पूरी तरह से मेटाबोलाइज हो जाएगी तो ये ऐसा असर नहीं दिखा पाती, इसलिए ये एनएरोबिक बैक्टीरिया।
पर ज़्यादा अच्छा असर दिखा रही है। तो इट हैज़ रिलेटिवली लिटिल इफेक्ट अपॉन ह्यूमन सेल्स और एरोबिक बैक्टीरिया। तो ह्यूमन सेल्स और एरोबिक बैक्टीरिया पे उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाती है, एंड एरोबिक बैक्टीरिया पे ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। प्राइमरली अपन बैक्टल वेजाइनोसिस किसी को हुआ हो, PID हुआ हो, जिसमें हम दूसरे एंटीबैक्टीरियल्स दे रहे हैं सेफ्रेटॉक्सोम के साथ में, तब अपन इसको काम में ले सकते हैं। स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हुआ हो, निमोनिया एस्पायरेट हो गया, रोजेशिया जो टॉपिकली हो जाता है, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं रोज जैसे, फंगेटिक वूंड स्किन के ऊपर कोई ऐसा फैलता हुआ सा घाव बन गया हो, एब्डोमेन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, लंग में एब्सेस हो गया हो, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, अमीबा का इन्फेक्शन, जियाडिया का इन्फेक्शन, या अमीबा जियाडिया ट्राइकोमोनासी या प्रोटोजोआ है भाई, तो ये प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन अमीबा से, जियाडिया से ट्राइकोमोनियासिस। इसके अलावा दूसरे इन्फेक्शन जो कि ससेप्टेबल एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरियोइड्स वगैरह से हो रहे हैं, तो उसमें भी अपन मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, उसमें दे सकते हैं बल्कि उनमें तो देते ही हैं अपन। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को भी ख़त्म करने के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है दूसरी ड्रग से साथ में। तो ये इन्फेक्शन से लोगों को बचाता है, सर्जरी से बाद जो रिकवरी करनी होती है और इन्फेक्शन से बचाना होता है तो अपन ये मेडिसिन देते हैं। इसके एडवर्स रिएक्शन में यूरिन का कलर बिगड़ जाता है, सरदर्द रहने लगता है, मेटैलिक टेस्ट हो जाता है पर्सन में, नोजिया रहने लगता है। ये प्रेगनेंसी में कैटेगरी बी की ड्रग मानी जाती है। इसके साथ आपका एंटीबायोटिक नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।